बिहार से लेकर बंगाल तक दुर्गा पूजा की धूम है। मंदिरों की भव्यता देखते ही बनती है। बिहार में भी कोने कोने में देवी दुर्गा का मंदिर स्थापित है। सभी मंदिरों की अलग अलग मान्यताएं हैं, सबकी अलग अलग कथाएं हैं। इन मंदिरों और यहां बैठी मां के दर्शन से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बिहार के 5 प्रमुख देवी मंदिरों के बारे में बताएंगे। दुर्गा पूजा में इन देवी मंदिरों की महत्ता बढ़ जाती है और मां के दर्शन को लाखों लोग पहुंचते हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मां मुंडेश्वरी मंदिर की। यहां आने वाले भक्त अपनी मुरादों को लेकर मां का दर्शन करते हैं। मान्यता है कि मां अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। ये मंदिर कैमूर की पहाड़ी पर अवस्थित है। मां मुंडेश्वरी मंदिर की खास बात ये है कि यहां पशु बलि की सात्विक परंपरा है। यहां पर बलि के लिए बकरा लाया जाता है, लेकिन उसके प्राण नहीं लिए जाते। दरअसल जब बकरे को माता के सामने लाया जाता है तो पुजारी मां की मूर्ति को स्पर्श कर कुछ चावल बकरे को फेंक देता है। इससे बकरा बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस पर अक्षत फेंकने की प्रक्रिया होती है तो बकरा उठकर खड़ा होता है। बस ऐसे ही बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ ये मंदिर बना है उस जगह पर माँ ने चंडमुंड नाम के असुरों का वध किया था, इसलिए ये मंदिर माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। बता दें कि मंदिर परिसर में पाए गए कुछ शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं और मंदिर का अष्टकार गर्भगृह आज तक कायम है। अब बात करते हैं मां उग्रतारा की। मां उग्रतारा मंदिर सहरसा में अवस्थित है। ये भी एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ सहरसा मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर महिषी में स्थित है। कहा जाता है कि यहां देवी सती की बाई आंख गिरी थी। यहां भगवती तीनों स्वरूप उग्रतारा, नील सरस्वती एवं एक जटा के रूप में विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि बिना उग्रतारा के आदेश के तंत्र सिद्धि पूरी नहीं होती है। यही कारण है कि तंत्र साधना करने वाले लोग यहां अवश्य आते हैं। नवरात्रा में अष्टमी के दिन यहां साधकों की भीड़ लगती है। मंदिरों को लेकर ये भी मान्यता है कि ऋषि वशिष्ठ ने उग्रतारा की बदौलत भगवती को प्रसन्न किया था। उनके प्रथम साधक की इस कठिन साधना के कारण ही भगवती वशिष्ठ आराधिता उग्रतारा के नाम से जानी जाती है। उग्रतारा नाम के पीछे दूसरी मान्यता है कि मां अपने भक्तों के उग्र से उग्र व्याधियों का नाश करने वाली है। बताया जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने चीनाचार विधि से देवी की घोर उपासना इसी स्थल पर की थी। वहीं ये भी कहा जाता है कि मधुबनी के राजा नरेंद्र सिंह की पत्नी रानी पद्मावती ने 1735 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंडन मिश्र ने पत्नी विदुषी भारती के आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ इसी जगह पर हुआ था, जिसमें शंकराचार्य को पराजित होना पड़ा था। मुंगेर जिले में गंगा तट पर स्थित मां चंडिका देवी का मंदिर भी प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इस स्थल पर माता सती की दाई आंख गिरी थी। यह मुख्य मंदिर में सोने से गढ़ी आंख स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना का उल्लेख सतयुग से ही है। बताया जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम ने यहां देवी की पूजा की थी। ये भी मान्यता है कि यहां दर्शन मात्र से आंखों की समस्या दूर हो जाती है। दरअसल इस मंदिर में लोग आंखों की पीड़ा को दूर करने की उम्मीद लिए आते हैं। मान्यता है कि यहां का काजल हर प्रकार के नेत्र विकार दूर करता है, इसलिए लोग दूर दूर से केवल यहां का काजल लेने आते हैं। वैसे तो पूरे साल मां के भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र में उनकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है। इस मंदिर की कथा रामायण काल के अलावा महाभारत युग से भी जुड़ी है। कथा के अनुसार अंगदेश के राजा कर्ण मां चंडिका के भक्त थे और रोजाना खौलते हुए तेल की कराह में कूद जाते थे। इस प्रकार वो अपनी जान देकर मां की पूजा किया करते थे। मां उनके इस बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हो जाती थी और हर रोज वो राजा कर्ण को जीवित कर देती थी। इसके अलावा वो कर्ण को सवा मन सोना भी देती थी। कर्ण उस सोने को मुंगेर के कर्ण चौराहे पर ले जाकर लोगों में बांट देते थे। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य को ये जानकारी मिली तो वे वहां चुपके से
वेश बदल कर पहुँच गए और राजा कर्ण के इस राज को वो जान गए। एक दिन चुपके से राजा विक्रमादित्य राजा कर्ण के पहले वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कड़ाह में छलांग लगा दी। बाद में रोजाना की भांति माँ ने उन्हें जीवित कर दिया। उन्होंने लगातार 3 बार कड़ाह में कूद कर अपना शरीर समाप्त किया और माता ने उन्हें जीवित कर दिया। 4थी बार माता ने उन्हें रोका और वो वर मांगने को कहा। तब राजा विक्रमादित्य ने माता से सोने देने वाला थैला और अमृत कलश मांग लिया। कहा जाता है कि माता ने दोनों चीजें देने के बाद वहां रखे कड़ाह को उलट दिया और उसी के अंदर विराजमान हो गई। इसके बाद से अभी तक कड़ाह उल्टा हुआ है और उसी के अंदर माँ की पूजा होती है। थावे वाली माँ के मंदिर की भी पौराणिक मान्यता है। ये अलौकिक मंदिर गोपालगंज शहर मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस इलाके का नाम थावे है, इसलिए इस मंदिर का नाम थावे मंदिर पड़ गया और माँ को थावे वाली माँ कहा जाने लगा। माँ थावे वाली को सिंहासिनी भवानी, रहशु भवानी और थावे भवानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ थावे वाली असम के कामरूप कामाख्या से आई है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त रहशु भगत रहते थे। वो माता की बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न रहती थी। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियाँ भी थी, लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वे राशु भगत को ढोंगी पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में उनके साथ काफी अभद्र व्यवहार किया। भगत ने कहा कि हमें तो माँ दर्शन भी देती है। राशु भगत से ये बात सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवत को चुनौती दी, यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को भुला कर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजा के हट के आगे राशु भगत लाचार हो गया। उनके आवाहन पर माँ कामरूप कामाख्या से प्रस्थान किया और थावे पहुंची। कहा जाता है माँ ने रहशु भगत के मस्तक को फाड़कर अपना कंगन दिखाया। इसके साथ ही राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। उसी जगह आज माँ थावे वाली माँ का भव्य मंदिर है। उसके बगल में ही रहशु भगत का मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि रहशु भगत की मूर्ति के दर्शन के बिना माँ की भक्ति पूरी नहीं होती है। अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना में अवस्थित बड़ी पटन देवी मंदिर की। यहाँ माँ बड़ी पटन देवी विराजमान है। पटना सिटी में अवस्थित बड़ी पटन देवी महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि देवी सती के शरीर का दाहिना जांघ यहीं पर गिरा था। बताया जाता है कि उत्खनन के दौरान इसी जगह पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की 3 प्रतिमाएं मिली थी, जिसे यहीं पर स्थापित कर दी गई। ये सभी प्रतिमाएं काले पत्थर पर बनी हैं। इसी स्थल को बड़ी पटन देवी का नाम से जाना जाता है। यहाँ सालों भर भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। हर दिन हजारों लोग पहुँचते हैं और नवरात्रि में तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। बड़ी पटन देवी से थोड़ी ही दूर पर छोटी पटन देवी माँ का मंदिर है। दोनों मंदिरों के बीच लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। ये भी एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती का पट और वस्त्र गिरे थे। जहाँ वस्त्र गिरा था वहाँ पर मंदिर बनाया गया। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की गई। बड़ी पटन देवी के दर्शन करने के लिए आने वाले लोग छोटी पटन देवी माँ के दर्शन भी अनिवार्य रूप से करते हैं और दुर्गा पूजा में तो इन दोनों मंदिरों की भव्यता और छटा देखने ही बनती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।